सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने के साथ देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे। सुबह 6:25 पर उन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। प्रधानमंत्री को नर्स पी निवेदा ने टीका लगाया। नर्स रोसम्मा ने इसमें मदद की। सर ने ये भी बोला था कि कौन से वाले सुई लेके आए, वो वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं, तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री को आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ है, हमें आगे आके लगानी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज वैक्सीनेशन कराया। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में और गृह मंत्री ने गुरुग्राम में वैक्सीन की पहली डोज ली। विदेश मंत्री जयशंकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आज भुवनेश्वर में वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन को भी कांग्रेस ने आज चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने दिल्ली के एम्स में केरल और पुदुचेरी की नर्स से वैक्सीन लगवाने और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के असमिया गमछा पहनने पर सवाल खड़े किए। कोवैक्सीन के दिन मोदी जी की गमछा पहनने की शौक हो गए। गमछा असम की सिंबल होते हैं, नर्स केरल और तमिलनाडु के, तो ये तीन राज्यों में चुनाव भी शुरू हो गए हैं। विपक्षी दल अब तक स्वदेशी कोवैक्सीन पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठाए। क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोवैक्सीन लिया है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को बुजुर्गों की बजाय युवाओं को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत जगह है, अभी चार जगह चुनाव हो रहा है ना, क्या हम कोरोना के खिलाफ समाधान को लेकर एक नहीं हो सकते, मैं अपील जरूर करूंगा। इस बीच आज भी नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा ने भी भारत की दी हुई वैक्सीन की पहली डोज ली। प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने से लोगों में भी वैक्सीन को लेकर भरोसा बढ़ गया है। दूसरे चरण में अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वॉक इन भी आप कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आज पहला ही दिन था, 9 शुरू होने वाला था, तो मैंने चांस ले लिया। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर माय प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आज से दूसरे फेज की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। आज कोविन पोर्टल पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सिर्फ 4 में ही बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए। सुबह 9 से दोपहर 1 तक का ये आंकड़ा है। इस चरण में 60 से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। 45 से 60 के उम्र के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी वैक्सीन लगेगी। गंभीर बीमारी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। इस फेज में निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का काम होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम होगा। वैक्सीन की एक डोज की कीमत ₹250 होगी। कोविन 2.0 पोर्टल और आरोग्य सेतु पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कल वैक्सीन लगवाएंगे। पश्चिम बंगाल में 85 की महिला शोभा मजूमदार को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कोलकाता समेत कई शहरों में शोभा मजूमदार के पोस्टर लगा दिए हैं। इनमें ममता सरकार से पूछा गया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के रेप के केस हैं। जब एक बंगाल की बेटी मुख्यमंत्री है तो फिर बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 27 फरवरी की रात उत्तर 24 परगना में उसके कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार के घर हमला किया था और उनकी मां शोभा मजूमदार को भी पीटा था। वहीं टीएमसी ने ऐसे किसी हमले से इनकार करते हुए इसे बीजेपी का हथकंडा बताया। टीएमसी ने बुजुर्ग के रिश्तेदार का वीडियो जारी कर कहा कि बुजुर्ग महिला पहले से ही बीमार थी।
नहीं मारा है, नहीं मारा, कोई नहीं मारा है उसको, कोनो तृणमूल पार्टी नहीं मारा है। दादी है 3 साल से वो बिछना में लेटा है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा के अंदेशे से केंद्र ने अर्धसैनिक बलों की और कंपनियां भेजने का फैसला किया है। बंगाल में सीएपीएफ की 170 और कंपनियां भेजी जाएंगी। राज्य में सीएपीएफ की 125 कंपनियां पहले से तैनात हैं। 8 मार्च तक कुल 295 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हो जाएंगी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की पहली कैंडिडेट लिस्ट जल्द आ सकती है। ममता कई विधायकों के टिकट काट सकती हैं। ममता बनर्जी से आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात की और टीएमसी का प्रचार करने के संकेत दिए। हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहेंगे। वहीं बंगाल में कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार की शुरुआत करेंगे। योगी मालदा में रैली करेंगे। इस बीच बीजेपी से बांग्ला सिनेमा का एक और चेहरा आज जुड़ा। अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी भी बीजेपी में शामिल हो गईं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।